करीब 2 महीना पहले ये जो वीडियो मैंने जुलाई के महीने में शूट किया था, इसमें जो एग्लियोनोमा का रेड लिपस्टिक वेराइटी प्लांट आपको दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, पत्ते में कितना चमक है, कलर वेरिएशन कितना अच्छा है, ग्रोथ में बहुत बढ़िया हुआ है, साथ में कितना ब्रांचिंग हुआ है। लेकिन आज अक्टूबर का 1 तारीख है और प्लांट का हालत ऐसा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लांट को कितना डैमेज हुआ है। ये जो प्रॉब्लम नॉट ओनली मेरे साथ हुआ है, ये बहुत लोगों के साथ अक्सर होता रहता है। नर्सरी से जब आप प्लांट लाते हैं तो प्लांट बहुत बढ़िया कंडीशन में रहता है, लेकिन 1-2 महीने के बाद प्लांट का हालत बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, प्लांट का ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाता है और अल्टीमेट केस में प्लांट जो है आपका कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है। तो इन सब के पीछे क्या कारण है, बिना कारण जाने अगर उसके ऊपर आप कुछ भी ट्रीटमेंट करेंगे तो ये प्लांट के ऊपर और भी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालेगा। इस वीडियो में इन सब के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए अभी तक मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट किया हूँ और आगे क्या करने वाला हूँ, इन सब के बारे में भी आपको बताऊँगा। मेरा जो पहला डाउट गया वो है इस प्लांट का फर्टिलाइजर के ऊपर। मैं सोच रहा था शायद इस प्लांट को सही तरह से खाना नहीं मिल रहा है, इसके लिए इसका पत्ते ऐसे पीले पड़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं देखा है कि मेरा बाकी जितने एग्लियोनोमा प्लांट है उन सबको जिसी तरह का फर्टिलाइजर दे रहा था, इसी प्लांट को भी उसी तरह का फर्टिलाइजर दे रहा हूँ, तो फर्टिलाइजर वाला डाउट मेरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट डाउट गया प्लांट का वाटरिंग के ऊपर, शायद ओवर वाटरिंग हो रहा है या फिर अंडर वाटरिंग हो रहा है। तो उसको चेक करने के लिए ये जो प्लांट को मैंने क्लोजली मॉनिटर किया, उसका वाटर को फुल कंट्रोल करके जब तक मिट्टी ड्राई ना हो तब तक मैं उसके ऊपर पानी बिल्कुल दिया ही नहीं। उसको ऐसे 10 से 15 दिन के लिए मैं ऑब्जर्व किया, लेकिन ऐसा कुछ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट मेरे को दिखाई नहीं दिया। कंडीशन और धीरे धीरे ख़राब होते गया। तो उसके पीछे हो सकता है कुछ दूसरा कारण है। तो मेरा जो तीसरा डाउट गया सीजन के ऊपर, शायद ये जो मानसून से अभी विंटर का ट्रांसफ़र हो रहा है, शायद उसके वजह से हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये जो मेरा दूसरा प्लांट है उसी के ऊपर भी ऐसा इफेक्ट आना चाहिए। लेकिन इस प्लांट का कंडीशन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, उसका पत्ते कितना साइन कर रहे हैं, चमक है। हालांकि ये जो प्लांट है उसी मदर प्लांट से प्रोपोगेट किया हुआ प्लांट है, एक ही ब्रांच से अभी कितने सारे ब्रांच अभी निकलने लगे हैं और नीचे भी नया नया पॉप्स अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सीजन वाला इशू था ये भी मेरा गलत साबित हुआ। तो और क्या कारण हो सकता है? उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट डाउट गया इस प्लांट का मिट्टी के ऊपर, ये जो मिट्टी मैंने चेंज किया था करीब 1.5 साल पहले, उसका मिट्टी चेंज हुआ था और मिट्टी में ओनली नॉर्मल गार्डन सॉयल, 30% कोकोपीट और 10% सैंड डाला हुआ था। हो सकता है धीरे धीरे पानी देते देते ये जो मिट्टी टाइट हो गया होगा, जिसके वजह से उसका ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो गया होगा। तो अभी चेक करते हैं उसका मिट्टी कैसा है। ये जो प्लांट अभी मैं रिसेंटली उसको लगाया था, उसका मिट्टी जो है प्रॉपरली मैं प्रिपेयर किया था, उसमें कोकोपीट डाला हुआ है, परलाइट डाला हुआ है, गार्डन सॉइल डाला हुआ है। तो उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया है और बहुत हल्का भी है, जिससे कि उसका रूट बहुत बढ़िया डेवलप हुआ है और प्लांट का ग्रोथ भी बहुत बढ़िया हुआ है। तो अभी हमारा नेक्स्ट काम होता है ये जो प्लांट का मिट्टी को हम चेक करेंगे, एक्चुअली मिट्टी सही है या नहीं। और मिट्टी चेक करने के टाइम पे भी आपका पता चल जाएगा रूट सिस्टम कैसा है। तो चलिए उस प्लांट को अभी मिट्टी को अभी चेक करते हैं। मिट्टी को चेक करने के लिए ये जो प्लांट को अभी हमको पॉट से निकालना ज़रूरी है। उसके लिए उसका जो साइड का मिट्टी है उसको खुरपी लेके धीरे धीरे हल्का कीजिए, पूरा करने का ज़रूरत नहीं है, साइड से 1-2 जगह से हल्का करने के बाद उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि रूट उसका डैमेज ना हो, क्योंकि अगर कोई अच्छा रूट हो अगर वो भी डैमेज हो गया तो प्लांट और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। फिर इसे गमले को नीचे लेटाकर धीरे धीरे उसको निकालिए। प्लांट कम्प्लीटली बाहर आ जाने के बाद उसका मिट्टी को पहले चेक करना है, और उसे चेक करने के लिए अपना उंगली से मिट्टी को हल्का प्रेस कीजिए और देखिए मिट्टी जो रूट्स को छोड़ के आ जाता है कि नहीं। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मिट्टी बहुत आसानी से नीचे आ जा रहा है, इसका मतलब मिट्टी हमारा अच्छा है, अभी भी मिट्टी लाइट है और उसमें रूट का जो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अभी जो लास्ट डाउट बचा है वो है रूट्स के ऊपर। रूट सिस्टम को चेक करने के लिए जितना भी मिट्टी लगा हुआ है नीचे, इन सबको पहले निकालना ज़रूरी है। धीरे धीरे करके हल्का उंगली प्रेस करके जितना भी मिट्टी है सबको
डिटैच कीजिए, और इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि रूट्स बिल्कुल डैमेज ना हो, क्योंकि रूट्स डैमेज हो जाएगा तो प्लांट को सर्वाइव करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे जितना भी मिट्टी है सब अभी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। मिट्टी को क्लीन करते टाइम मुझे कुछ छोटे छोटे ब्राउन कलर की सड़े हुए रूट्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि यह प्लांट को जो है रूट रॉट होना स्टार्ट हो गया था, पूरा कम्प्लीटली हुआ नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका जो प्रोपगेशन बढ़ता जा रहा था। और उसको और डिटेल्स में जानने के लिए जितना भी बचा हुआ मिट्टी है इन सबको क्लीन करना ज़रूरी है, ताकि हमको अच्छी तरह से पता चल सके कौन सा ब्रांच में एक्चुअली रूट रॉटिंग हुआ है, ताकि वो वाला जो ब्रांच है हम उसको सेपरेट कर सकें, और जो अच्छा जो वेल डेवलप्ड ब्रांच है उसको हम सेपरेट करके फिर से नया प्लांट कर सकें। और ज़्यादा क्लीन करने के बाद पता चल रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा रूट रॉटिंग हुआ है, ये जो सड़े हुए रूट्स जो है टूट के नीचे मिट्टी में मिक्स होकर नीचे गिर जाते हैं, जो कि पता नहीं चलते, जो मिट्टी को देखने पर ये धीरे धीरे नज़र आ रहे हैं। तो हमको मालूम करना है और डिटेल्स में एक्चुअली कौन सा पार्ट जो है एक्चुअली डैमेज हुआ है, रूट रॉटिंग हुआ है। तो जो बचा हुआ मिट्टी है उसको क्लीन करने के लिए हमको उसे एक बड़े से बॉकेट में पानी लेके उसके अंदर डालना है, ताकि ये जो मिट्टी है पूरा कम्प्लीटली क्लीन हो जाए और रूट का स्टेटस हमको पता चल सके। सारे रूट्स को क्लीन करने के बाद एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है हमको पता चल गया। मेन जो प्रॉब्लम है उसका मदर प्लांट का रूट में स्टार्ट हुआ है, उसका जो 70-80% रूट्स ऑलमोस्ट सड़ गए हैं, ऐसे सड़ के छोटे छोटे टुकड़े में सब निकल रहे हैं। जितने भी आपको ब्राउन कलर के रूट्स दिखाई दे रहे हैं ये सब सड़े हुए डैमेज रूट्स हैं, और इनको अगर हम सेपरेट नहीं करेंगे ये जो सड़ा हुआ रूट बाकी प्लांट्स में भी स्प्रेड होने का डर रहता है, क्योंकि ये जितने भी रूट्स हैं सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये जो बीमारी है एक रूट से दूसरे रूट्स में स्प्रेड होने का डर रहता है, तो हम उसको सेपरेट करेंगे। इसको सेपरेट एक्चुअली मैं कर दिया था, लेकिन उसका जो वीडियो एक्चुअली मैं रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन सेपरेट करना बहुत आसान है, आप देख के जो अच्छा वाला रूट है उसको सेपरेट कीजिए और जो डैमेज रूट है उसको सेपरेट कीजिए। ये देखिए जितने भी नया ब्रांचेस निकले हैं सब में व्हाइट रूट्स है, मतलब ये जो है हेल्दी प्लांट्स है, इसको हम आसानी से बढ़िया ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको सेपरेट करेंगे एक चीज़ का डेफिनेटली ध्यान दीजिए, जो भी कटर लेंगे या फिर कैंची लेंगे या ब्लेड लेंगे उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज करके उन ब्रांच को सेपरेट कीजिए, अदरवाइज उसमें फंगस या डिजीज स्प्रेड होने का डर रहता है। ये सेपरेट होने के बाद इन सबको हमको पॉटिंग करना है, और उसके लिए मुझे फ्रेश सॉइल लेना है, और फ्रेश सॉइल में मैं प्रीफर करूँगा जो प्रीवियस वाला जो मैं प्लांट दिखाया था उसी टाइप का सॉइल। और उसके लिए मैं जो लिया हूँ ये 30% गार्डन सॉइल लिया हूँ, ये प्लांट को एंकरिंग प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मैं ऐड किया हूँ 40% कोकोपीट। कोकोपीट का काम रहता है कि मॉइस्चर को रिटेन करता है, साथ में ये मिट्टी को बहुत हल्का बनाता है, जिसके वजह से रूट का ब्रीदिंग बहुत आसानी होगा और रूट ग्रोथ बहुत फास्टर होगा। उसके बाद मैं उसमें ऐड किया हूँ 10% वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो कि एक ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जिसमें एनपीके का एक बैलेंस्ड अमाउंट रहता है जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड किया हूँ वो है 10% परलाइट। परलाइट का काम होता है सॉइल में एयर का मूवमेंट को प्रोमोट करना, जिससे रूट ग्रोथ अच्छा होता है और फास्टर होता है। उसके बाद उसमें ऐड किया हूँ 10% नीम केक पाउडर, यह रूट रीजन में जितने भी फंगस है इन सब से प्लांट को बचाता है। ये सब ऐड करने के बाद उसमें मैं एक नेक्स्ट चीज़ ऐड करूँगा, वो है सीविड ग्रैनुल्स।
ये एक्चुअली एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है जिसमें कई तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहता है जो कि प्लांट की ग्रोथ में और उसको डिजीज प्रोटेक्शन से प्लांट को हेल्प करता है। ये सब ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं ऐड करूँगा वो है 2 से 3 ग्राम ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक तो प्लांट को एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और साथ में ये रूट ग्रोथ की फास्टर करता है। इसका करीब 2 से 3 ग्राम उस सॉइल मिक्सर में ऐड कीजिए। ये जो ह्यूमिक एसिड आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ये नया प्लांट है रूट थोड़ा डेवलप हुआ नहीं तो इसलिए उसको हम इनिशियल स्टेज में ऐड कर रहे हैं। ये सारा को ऐड करने के बाद सॉइल को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि ये जो न्यूट्रिएंट का ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी सब पार्टिकल्स में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब हमारा ये सॉइल अभी रेडी है, अभी इसको हम प्लांटिंग करने के लिए पॉट को लेंगे। पॉट में उसका ड्रेन होल को चेक कीजिए, ड्रेन होल सही है कि नहीं, और मेरा प्लांटर में तो ये ड्रेन होल सही है तो और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये मैं सेरामिक का प्लांटर लिया हूँ, आप दूसरा कोई प्लांटर ले सकते हैं। उसके बाद ये जो ड्रेन होल को ब्लॉक करने के लिए उसमें ताकि ओनली पानी बह सके, कोई टूटे हुए गमले का एक टुकड़ा लेके उस ड्रेन होल के सामने उसे रखना है। ये रखने के बाद उसमें हम अभी कुछ लेवल तक ये जो पॉटी मिक्स रेडी किए थे उसको फिलअप करेंगे। करीब आधा तक लेवल हो जाने पर हम जितने भी प्लांट्स ब्रांच हम कटिंग किए थे इन सबको इसमें लगाएंगे। ये मैं 4 प्लांट इसमें ले रहा हूँ, आज चाहे तो इंडिविजुअली एक एक प्लांटर में एक एक प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो ये प्लांटर को थोड़ा बूसी बनाना चाहता हूँ इसीलिए मैंने 4 प्लांट को एक ही साथ लिया हूँ। और प्लांट को थोड़ा सीधा रख के उसमें जो बचे हुए सॉइल है इन सबको हार्ड करना है। ये थोड़ा ज़्यादा सॉइल मैंने डार्ड कर दिया था तो थोड़ा सॉइल मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद उसका जो हाइट जो है एडजस्ट करके रेस्ट अमाउंट सॉइल उसमें मैं अभी ऐड कर दूंगा और ये प्लांटर को रेडी करूंगा। अब हमारा सारे प्लांट्स इस प्लांटर में लग गए हैं, उसके बाद उसको अभी वाटरिंग करना है। वाटरिंग करने के टाइम पे इस चीज़ का ध्यान दीजिए, जब नया पानी दे रहे हैं इस नया मिट्टी में थोड़ा सा फंगिसाइड उसमें ऐड करके दीजिए ताकि अगर थोड़ा सा भी फंगस अटैक होने का चांसेस है वो चांसेस नहीं रहेगा। इसीलिए मैं लिया हूँ 2 ग्राम फंगिसाइड जो कि साफ फंगिसाइड, उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में ऐड किया हूँ। ये ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से हिलाएं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए वाटर में। उसके बाद उस प्लांट के ऊपर इसे सावरिंग करके देना है ताकि उसका रूट डिस्टर्ब ना हो और अच्छी तरह से पानी एक बार ड्रेन होल से निकल जाए। उसके बाद इस प्लांट को अभी ऐसी जगह में रखना है कम से कम 7 से 8 दिन के लिए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ता ना हो, लेकिन सन का जो इनडायरेक्ट लाइट उसके ऊपर पड़ता रहे। इसी तरह इस प्लांट का जो दूसरे ब्रांचेस थे जो मदर ब्रांच से कनेक्टेड थे उनमें से जो सड़े हुए रूट्स है सबको मैं डिटैच करके रिमूव करके एक दूसरा प्लांटर में उसको लगाया हूँ वही सेम सॉइल मिक्स में, और उसको वैसे ही 6 से 7 दिन के लिए शेडी एरिया में रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे उसका ग्रोथ कैसे होता है। तो इन समरी आपको मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपका प्लांट ऐसे ख़राब हो रहा है तो पहले उसका फर्टिलाइज़र को चेक कीजिए, अगर फर्टिलाइज़र ठीक है तो उसका वाटरिंग को चेक कीजिए, वाटरिंग सही होने के बाद उसका सॉइल मीडिया को चेक कीजिए उसमें ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन है उसका रूट सिस्टम को चेक कीजिए। अगर रूट सिस्टम सही है तो ठीक है, अगर रूट सिस्टम डैमेज है तो जो डैमेज वाला रूट्स को सेपरेट करके जो अच्छा रूट्स है उस ब्रांच को सेपरेट करके प्लांटिंग कीजिए और देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो प्लांट फिर से नया जैसे लगेगा। आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।